वो खेल रहे थे खून की होली। हर गोली छलनी कर रही थी सीना, हर जिले में बह रही थी खून की धारा। अपराधियों के तांडव से त्रस्त पब्लिक, बिहार में होली पर मचा हाहाकार। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। होली पर जहां लोग आपस में रंगों की होली खेलते हैं, वहीं अपराधियों ने बिहार में जमकर खून की होली खेली है। सिर्फ पिछले 24 घंटों में बिहार में 15 से ज्यादा हत्या की वारदातें हुई हैं। ऐसे में होली के त्योहार को लेकर पुलिस की ओर से किए गए सुरक्षा व्यवस्था के तमाम दावे हवा हवाई साबित हुए। प्रशासन की चुस्ती को आंख दिखाते अपराधियों ने शहर शहर मर्डर मर्डर का खेल खेला है, जिससे पूरा प्रदेश कराह उठा है। शहर शहर मर्डर मर्डर, अपराधियों ने खेली खून की होली। 24 घंटे में हत्या की 15 से ज्यादा वारदात, मारपीट हत्या की घटनाओं से कांपा बिहार। होली के दिन से लेकर अगली सुबह तक विभिन्न जिलों में मारपीट और हत्या की घटनाओं से बिहार कराहता रहा। कहीं दो पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना हुई तो कहीं अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। इन घटनाओं ने भाईचारे के पर्व को खून से रक्त रंजित कर दिया, जिससे न जाने कितने घरों की खुशियां मातम में बदल गई। राजधानी पटना में जहां सरेआम अपराधियों ने जेडीयू छात्र नेता कन्हैया कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं पटना सिटी के गोपालपुर थाना के संपत चक इलाके में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। भागलपुर में होली पर डीजे पर नाचते हुए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल दूसरे पक्ष के लोग डीजे पर डांस करने से मना कर रहे थे, लेकिन नहीं मानने पर युवक को गोली मार दी। बिहार के बेगूसराय में होली की रात दबंगों ने घर पर चढ़कर पिता पुत्र और भतीजे को गोली मार दी। इस घटना में भतीजे की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं पिता पुत्र गोली लगने से गंभीर रूप से घायल। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सबदलपुर गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक रुपेश यादव गांव के पंकज यादव की दुकान पर आलू खरीदने गया था, जहां दोनों में मारपीट हो गई थी। गोपालगंज में बाइक से धक्का लगने पर एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक युवक को गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर किया गया। कुचायकोट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मंगलवार देर शाम कुचायकोट थाना के बटवा मोड़ की यह घटना है। कैमूर में पुराने विवाद को लेकर 17 साल के युवक की टांगी से मारकर हत्या कर दी गई। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना इलाके के दुहाई सुहाई गांव में होली के दौरान महिला से मिलने के विवाद में एक युवक की ईंट पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल राजेश राजवंशी को गांव के ही सज्जन कुमार ने उसे घर खाने पीने के लिए बुलाया और महिला से मिलने को लेकर विवाद के बाद राजेश की पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को सरसों के खेत में फेंक दिया। बिहार के छपरा में ही पारिवारिक विवाद में युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। दाऊदपुर थाना के धर्मपुरा गांव की यह घटना है। मृतक की पहचान धर्मेंद्र यादव के तौर पर हुई है। इन घटनाओं के अलावा भी लखीसराय में प्रॉपर्टी डीलर समेत बक्सर, बाढ़ और समस्तीपुर में हत्या की वारदातों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।